जी मैम। ओके, चलिए आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम थोड़े से पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर हम मांडुक्य उपनिषद की ओर बढ़ेंगे। चलिए सभी टाइप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेद के कौन से खंड में आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन किया गया है? वेद के कौन से खंड में आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन किया गया है? टाइप करें। मैम, खंड मीन्स मतलब क्या? समझ पीसेस मीन ठीक है, वेद के कौन से कांड में, ठीक है, अब आप लोग कर लेंगे। वेद के कौन से कांड में आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन किया गया है? दो कांड हमने देखे हैं ना, कौन कौन से? एक है ज्ञान कांड और एक है कर्म कांड। अब बताइए। अच्छा, सौरभ जी कर्म ज्ञान बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी सभी, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन का अर्थ क्या है? मैम। ब्रह्म। उपनिषद, मैंने तो उपनिषद लिखा है आंसर। ओके, उपनिषद कौन से कांड के अंतर्गत आता है? आप ज्ञान सबके कांड। आंसर आ रहे हैं। हाँ, तो वही है मेरा क्वेश्चन कि वेद के कौन से खंड बोला गया ना यहाँ पे, तो उसमें आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन मिलता है, ठीक है, ज्ञान कांड। कंफ्यूज हो गए थे शुरू में, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, सभी आंसर कर रहे हैं, 108। और इस 108 उपनिषदों की चर्चा कहाँ पर मिलती है? टाइप करेंगे, आंसर करेंगे भारती जी। बहुत बढ़िया साक्षी जी, ईक्षा जी, भारती जी कहाँ गए? जी जी मैम, जी मैम। नहीं नहीं पता मैम। इतना सरल क्वेश्चन नहीं पता भारती जी, शुरू क्लास में ही मैंने बताया था। मैम क्लास तो अटेंड ही नहीं कर रही हूँ काफी दिन से मैं। ओके, ठीक है, चलिए सब बाकी के आंसर सुनिएगा। सोनाली जी आंसर करें। मैम, मुक्ति को उपनिषद के अनुसार इनकी संख्या 108 बताई गई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद के ऋषियों का केंद्र क्या था? उपनिषद में ऋषियों का केंद्र क्या था? प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, उपयुक्त सभी। अच्छे से सोच लीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर होगा परमात्मा, ठीक है। चलिए मैम अब एक बार क्वेश्चन बताइए। रिपीट कर दीजिए, मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन ढंग से। मैंने कहा उपनिषद में जो ऋषियों का केंद्र था, मुख्य जो बिंदु है, किस पर आधारित है, किस पर केंद्रित है उपनिषद? प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, उपयुक्त सभी। ओके मैम। आंसर होगा परमात्मा, ठीक है। हाँ चलिए मैम, अब ओके। बताइए। हाँ, ईशावास्योपनिषद में जो है, ईशावास्योपनिषद वो कौन से वेद के अंतर्गत आता है? बहुत बढ़िया, आंसर करें हिमांशु जी। मैम शुक्ल यजुर्वेद। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब बताइए, प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, एवं ब्रह्म उसका लक्ष्य है, उसका सावधानी पूर्वक भेदन करना चाहिए, यह कथन किस उपनिषद का है? प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है, एवं ब्रह्म उसका लक्ष्य है।
बहुत बढ़िया ईक्षा जी, सौरभ जी, कल्याणी जी आंसर करें। मुंडक बहुत बढ़िया, चलिए ईशावास्योपनिषद के अनुसार कर्म द्वारा किस लोक को प्राप्त किया जाता है? कर्म के द्वारा, ईशावास्योपनिषद के अनुसार मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। कर्म के द्वारा किस लोक को प्राप्त किया जाता है मैम ईशावास्योपनिषद के दोबारा अनुसार? ईशावास्योपनिषद के अनुसार कर्म द्वारा किस लोक को प्राप्त किया जाता है? मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया नीता जी, किसने दोनों कहा मैं जरा देखूं। प्रियंका जी, चलिए आंसर करिए। प्रियंका कोटनाला जी, दोनों कैसे होगा? मैम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर मैम उस हिसाब से हमें मतलब बुरे कर्म करेंगे तो उस हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा, वैसे ही योनि मिलेगी, और अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोक मिलेगा, या ऐसा मुझे लगा। नहीं, ऐसे यहाँ पर नहीं जाना है, जो ग्रंथ में बातें कही गई हैं उसके आधार पे हमको आंसर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर ओके मृत्यु लोक होगा। कर्म द्वारा बोला जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अविद्या की बात की जा रही है ना? ठीक है, चलिए। चलिए, ईशावास्योपनिषद में जो शांति मंत्र दिया गया है, शांति पाठ दिया गया है, उस मंत्र की विषय वस्तु क्या है? ब्रह्म एवं जगत की अभिन्नता का निरूपण, ज्ञान योग, मंत्र योग, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार सुनेंगे। ईशावास्योपनिषद में जो शांति पाठ दिया गया है, उस मंत्र की विषय वस्तु क्या है? ब्रह्म एवं जगत की अभिन्नता निरूपण, ज्ञान योग, मंत्र योग, या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए, मीनाक्षी त्यागी जी आंसर करें। मीनाक्षी त्यागी जी, जी बताइए आंसर। ब्रह्म बहुत बढ़िया, चलिए। ईशावास्योपनिषद के चौथे व पांचवें मंत्र में किसका वर्णन किया गया है? परम ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, ओमकार का वर्णन, या जगत के स्वरूप का वर्णन, उपयुक्त सभी। चौथे एवं पांचवें मंत्र में परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, ओमकार का वर्णन, जगत स्वरूप का वर्णन, या उपयुक्त सभी। आप लोग क्या टाइप कर रहे हैं? ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा परम ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, केनोपनिषद को और किन किन नामों से जाना जाता है? टाइप करें सभी, एक साथ जितने भी नाम है टाइप करेंगे। केनोपनिषद को और किन किन नामों से जाना जाता है? ओके, बहुत बढ़िया प्रियंका जी। चलिए, सौरभ जी आंसर करें। मैम जैमिनी उपनिषद, ब्राह्मणों उपनिषद, तलकवार उपनिषद। बहुत बढ़िया, ठीक है। केनोपनिषद के अनुसार पर ब्रह्म को अनुभव करने के तीन साधन कौन कौन से हैं? पर ब्रह्म को अनुभव करने के तीन साधन टाइप करें। तीन साधन बताए गए हैं। चलिए, जया जी आंसर करें।
मैम सब गोल गोल हो रहा है, ऑप्शंस बताएंगे क्या? पराठा कौन कौन से हैं? है, पराठा नवीन जी आंसर करें। नो मैम, नहीं पता है। चलिए प्रियंका वर्मा जी आंसर करें, बाकी सभी के अच्छे से आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रियंका वर्मा जी मैम, तप, दाम और कर्म। ओके, तप, दम और कर्म, ठीक है। कठोपनिषद के अनुसार मुक्ति के उपाय क्या क्या हैं? आत्मज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, मोहवश उपयुक्त सभी। कठोपनिषद के अनुसार मुक्ति के उपाय। वेरी गुड हिमांशु जी। बहुत बढ़िया उमेश जी, साक्षी जी। चलिए आंसर करेंगे संतोषी जी। चलिए ज्योति जी आंसर करें। ओके, कोई बात नहीं। मैम, आत्मज्ञान के द्वारा। बहुत बढ़िया। चलिए इसमें बताएंगे, प्रश्नोपनिषद के जो 6 ऋषि हैं वो महर्षि पिपलाद से किस विषय से संबंधित प्रश्न पूछते हैं? आत्म विषयक, ब्रह्म विषयक, सृष्टि रचना के रहस्य विषयक, इनमें से कोई नहीं। जो 6 ऋषि हैं वो महर्षि पिपलाद से मुख्य रूप से किससे संबंधित विषय पर वो प्रश्न पूछते हैं? बहुत बढ़िया, आंसर करेंगे अशरफ जी। जी मैम, परब्रह्म के विषय में प्रश्न करते। नहीं, और अच्छे से सोचिए अशरफ जी। प्रश्नोपनिषद के 6 ऋषियों ने मुख्य रूप से ब्रह्म के विषय में वहां पर तो बतलाया गया है, इसके अतिरिक्त। चलिए तमन्ना जी आंसर करें। सृष्टि रचना। हाँ जी, ठीक है। भार्गव ऋषि ने महर्षि पिपलाद ऋषि से कौन से विषय से संबंधित प्रश्न पूछा? कुल कितने देवता हैं जो प्रजा प्राण किससे उत्पन्न होता है? कौन देवता स्वप्न देखते हैं? सभी कौन से प्रश्न किए उन्होंने, बताइए। आंसर करेंगे कंचन जी। बहुत बढ़िया, सभी के अच्छे से आंसर आ रहे हैं। कंचन मैम, जी, हाँ, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था। एक भी क्लास आपने अटेंड नहीं किया? ये है मैम। ओके, आपने वीडियो भी नहीं देखा है? नहीं मैम, स्टार्टिंग का देखा है। अभी अभी 4-5 दिन से बिजी चल रहा है सर, मैम तो नहीं देख पाएगी। ठीक है, आप देखिएगा फिर। ठीक है कंचन जी। चलिए अमिता जी आंसर करें। अमिता जी। यस मैम, प्रजा आधारक विषय के बारे में प्रश्न किया है मैम भार्गव जी ने। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण किससे उत्पन्न होता है? रक्त से, शरीर से, वायु से, परमात्मा से। ऐसा
एग्जिट जो वर्ड दिया जाए वही वर्ड बोलिएगा, अपने से नहीं बनाना है वहां पर। अगर अपने से समझ के लगाएंगे, या मान लीजिए परमात्मा को हम आत्मा भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, परब्रह्म बोलते हैं, तो एग्जिट जो वर्ड दिया गया है उसी पर लगाएंगे आप, ठीक है। अगर ईश्वर या फिर आत्मा या इस तरीके से लगाते तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर करेंगे राधिका जी, बाकी सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। जी क्या कहा आपने? परमात्मा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, मुंडकोपनिषद के अनुसार ब्रह्म को जानने के लिए निम्न में से कौन सी विद्या का ज्ञान होना आवश्यक है? भौतिक विद्या, ज्योतिष विद्या, परा और अपरा विद्या, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, आंसर करें राधा जी। राधा जी आंसर करिए। जी मैम। हाँ क्या बोल रहे हैं? आपकी वॉइस नहीं आई राधा जी ठीक से। मैम परा अपर विद्या। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी मैम। मुंडकोपनिषद के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवताओं से, इंद्र से, परब्रह्म से, उपयुक्त सभी से। बहुत बढ़िया, चलिए कौशल्या जी आंसर करें। कौशल्या जी चलिए, अभी तक नीता मैम आंसर करेंगे। परब्रह्म। बहुत बढ़िया, ठीक है। मुंडकोपनिषद के अनुसार ध्यान का लक्ष्य किसे कहा गया है? अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, ज्योति जी, बहुत बढ़िया। चलिए अभी तक इन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए इच्छा जी आंसर करें। मैम ब्रह्मा जी को। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी के क्लियर है क्वेश्चन? हाँ मैम। मैम अभी आपने एक क्वेश्चन किया था ना कि ब्रह्म को जानने के उपाय। मैम एक निषेध वाला वही मुझे भी पूछना था। और एक मैम ये ना कि ब्रह्म स्वरूप को समझने के साधन तो ये हो गए कि तप, दम और कर्म, पर ब्रह्म को जानने के उपाय तो आपने प्रतिबोध, आत्मबल और आत्मविद्या, इसमें कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। अच्छा देखिए, जो तप दम कर्म है वो ब्रह्म प्राप्ति के जो है साधन है, ठीक है। और वो जो है जो आप बोल रहे हैं प्रतिबोध आत्मविद्या, ये हम ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं, किस संकेतों के माध्यम से हम ब्रह्म को जान सकते हैं? ये उपाय है ना मैम? ना ना, ये संकेतों के माध्यम से पहचानने के उपाय हैं। ठीक है, ठीक है। और ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? तो वो वहां पर आ जाएगा तप के माध्यम से, ठीक है, तप करके, दम के माध्यम से अर्थात जो इंद्रियों का दमन करके उनको संयमित करके, और कर्म के माध्यम से निष्काम भाव से कर्म करते हुए, ठीक है। और वो जो है ब्रह्म वहां पर हो जाएगा कि ब्रह्म के उपस्थित होने के क्या संकेत हैं, या ब्रह्म को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर बताया गया प्रतिबोध के माध्यम से, बिजली का चमकना, पलकों का झपकना, ठीक है।
मैम वो जो क्वेश्चन था ना कि परा अपरा विद्या वाला, वो आप क्या पूछे थे कि दो विद्याएं क्या थी या फिर ब्रह्म को प्राप्ति के लिए कौन सी विद्या है? हाँ आत्मज्ञान ऐसा कुछ था, एक सेकंड बताती हूँ। वही है ब्रह्म को प्राप्त करने की जो दो विद्याएं बताई गई हैं। मैम क्योंकि अपरा विद्या से तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिखाए थे ना। दो साधन बोले गए हैं ना ब्रह्म विद्या के, दो साधन। हाँ तो मैम परा से तो प्राप्त कर सकते हैं और अपरा से नहीं कर सकते हैं। तो प्राप्ति का तो फिर साधन परा विद्या हो जाएगा ना। तो दो मार्ग बोले हैं तो उसमें दो मार्ग आएगा, क्योंकि वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से मार्ग पर जाना चाहते हो। ठीक है एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन जो आपने बोला ध्यान का लक्ष्य ब्रह्मा है, यानी एक क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग के बारे में भी करवा रखा है आपने? हाँ वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके मैम एक सेकंड, वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है अभी, इसको मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है मुंडक उपनिषद में है ना ब्रह्म विद्या के विषय में। यहाँ पर दिया गया है मुंडक उपनिषद के अनुसार ब्रह्म को जानने के लिए निम्न में से कौन सी विद्या का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर परा और अपरा विद्या दिया है तो परा और अपरा विद्या लगाएंगे, अगर ब्रह्म विद्या देता तो ब्रह्म विद्या लगाते। ठीक है परा विद्या के माध्यम से जो है हम जानते हैं कि परा विद्या जो है हमको ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर लेकर जाती है और अपरा विद्या जो है हमको संसार की ओर प्रवृत्त करती है। ठीक है इसलिए यहाँ पर दोनों को दिया गया है। चलिए और क्या पूछ रहे थे एक अभी? तो यही पूछा था मैम, जैसे ध्यान का लक्ष्य ब्रह्मा है और आपने करवा रखा ब्रह्मा की प्राप्ति के साधन बता रखे, जैसे प्रणव ध्वनि द्वारा, ओंकार के द्वारा ऐसे कुछ। हाँ तो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा नहीं बोलेंगे ना, ब्रह्म बोलेंगे, याद रखेंगे ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों में डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़े फिर हम लोग। यस मैम चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोगों के टेस्ट हैं संडे को। मैम आज सिक्स तक आएगा ना उसमें, सिक्स उपनिषद तक। कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे ऐत्रे, ऐत्रे से भी थोड़ा बहुत आ सकता है। ठीक है ऐसे कॉमन जो परिचय है उससे रिलेटेड। चलिए आज हम कौन सा जो है उपनिषद पढ़ने वाले हैं? मांडू उपनिषद। ओके मांडू के उपनिषद का परिचय बताइए, क्या क्या बातें बताई गई हैं इसमें, इसकी विषय वस्तु क्या है, किस वेद की शाखा है, कितने मंत्र हैं, बड़ा उपनिषद है या छोटा उपनिषद है? छोटा अर्थ से लिया गया है और छोटा उपनिषद है मैम ये, और इसमें आत्मा या चेतना की चार अवस्थाओं का वर्णन किया गया इसमें। और मांडू के उपनिषद मंत्रों की संख्या कितनी है इसमें? मैम 12। ठीक है चलिए हमारा छठा उपनिषद देखते हैं मांडू के उपनिषद। मांडू के उपनिषद जो है अथर्ववेद के ब्रह्म भाग से संबंधित है। किससे? ब्रह्म भाग से। कुल 12 मंत्र इसमें दिए गए हैं और इस उपनिषद में ओमकार की व्याख्या तथा उसकी उपासना के फल का वर्णन किया गया है। ठीक है ओमकार की व्याख्या की गई है और साथ ही साथ उसकी उपासना करने से क्या फल प्राप्त होते हैं ये बताया गया है। इसकी विषय वस्तु हम देखें तो आत्मा या चेतन की चार अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बताइए? आत्मा या चेतन की चार अवस्थाएं
बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ इसमें ओमकार का अ उ म के सृजनित अक्षरों के साथ संबंध बताया गया है, ठीक है। तो ये जो चार अवस्थाएं हैं और अ अकार उकार मकार, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इनका संबंध बताया गया है। मांडुक के उपनिषद 10 उपनिषदों में मंत्रों की दृष्टि से सबसे छोटा उपनिषद है। और दूसरा सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ईसावास। मंत्रों की संख्या कितनी है उसमें? 18। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं ओमकार के स्वरूप की व्याख्या, ठीक है, किस प्रकार जो है ओमकार का स्वरूप क्या है और उसकी क्या महिमा है, उसका महत्व क्या है। ओम इत्येत अक्षरम इदम् सर्वतस्यो उपाख्यानम भूतम् भवद् भविष्यदीति सर्वम् ओमकारम् एव यच्चाने यत्र कालातीतम् तदप्य ओमकारम् एव, ठीक है। ओम यह अक्षर ही सर्व है, सब उसकी ही व्याख्या है। भूत भविष्य वर्तमान सब ओमकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालतीत है वह भी ओमकार ही है। अर्थात यहाँ पर ओमकार का महत्व बताया जा रहा है कि ओमकार का स्वरूप क्या है। तो बोला जा रहा है कि जो ओम अक्षर है वह क्या है, संपूर्ण जगत ही उसका उपाख्यान है, उसी के निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है, ठीक है। वर्तमान भविष्य भूत वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है, यह सब का सब जो जगत है वो ओमकार ही है। सब कुछ जो है ओमकार में ही व्याप्त है। जो ऊपर कहे हुए तीनों कालों से अतीत है, अर्थात तीनों काल से अतीत है, भूत भविष्य वर्तमान, ठीक है, तीनों से अतीत है। दूसरा वह भी ओमकार ही है, अर्थात यहाँ पर यह बोला गया कि ओम जो है वह सर्व है, ओम अक्षर ही सर्व है, सब उसकी ही व्याख्या है या उपाख्यान है। भूत भविष्य वर्तमान सब ओमकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालतीत है वो भी ओमकार ही है। सर्व सर्व ही एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स अयम आत्मा चतुष्पाद, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यह आत्मा भी ब्रह्म है, और ऐसा यह आत्मा चार पादों वाला है, ठीक है। ये जो यहाँ पर है टाइपिंग मिस्टेक है, ये ब्रह्म है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है। आत्मा आत्मा अर्थात परमात्मा भी ब्रह्म ही है, और वह परमात्मा कैसा है तो चार पादों वाला है, चार पैरों वाला वह आत्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओमकार का स्वरूप बताया गया कि यह ओम अक्षर ही सर्व है, सर्वज्ञ है, सब उसकी ही व्याख्या करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब ओमकार से ही उत्पन्न हुए हैं, और त्रिकालतीत जो तीनों कालों से अतीत है, तीनों कालों से परे है, वह भी ओमकार है। फिर सर्व ही एतद् ब्रह्मम अयम आत्मा, यानी कि यह सब कुछ ब्रह्म है, यह आत्मा परमात्मा भी ब्रह्म है, और इस जो आत्मा है जो परमात्मा है वो कैसा है तो चार पादों वाला है, चार पैरों वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर चतुष्पाद ब्रह्म, ओमकार के चार पाद कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बताया गया है प्रथम पाद जो कि वैश्वानर कहा गया है। प्रथम पाद को क्या कहा गया है? वैश्वानर अग्नि, ठीक है। इसका अर्थ होता है विश्व या नर, ठीक है, यानी कि विश्व व नर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अग्नि अर्थात उष्णता तेज या ऊर्जा से हम ले सकते हैं। तो जो परमात्मा का पहला पाद है वो वैश्वानर अग्नि है। दूसरा पाद जो है वो तेजस है, तेजस अर्थात ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है, दीप्तिमान है, ठीक है। तो दूसरा पाद हुआ तेजस। तीसरा पाद प्राज्ञ, प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान, जो ज्ञान अवस्था में है, ज्ञान अवस्था सुषुप्ति में है, ठीक है। सुषुप्ति की अवस्था कैसी होती है? आनंदमय की अवस्था होती है, जहां पर किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती, किसी भी कामना की जो है भोग विलास की इच्छा नहीं होती, वह अवस्था कही जाती है सुषुप्ति। और वह अवस्था कैसी होती है? आनंदमय होती है, आनंद से युक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परमात्मा का तीसरा पाद है वो प्राज्ञ है। फिर चौथा पाद क्या है? अद्वैत है, अद्वैत अर्थात जिससे बढ़कर कोई नहीं,
शून्य या फिर एकात्म का भाव बोल सकते हैं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रह्म के जो है चार पाद बताए गए हैं, कौन कौन से, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत। ठीक है, तो ये आप मुख्य रूप से इसको याद रखेंगे। पूछा जाता है कि चतुष्पाद वाले ब्रह्म के चार पाद कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव दे देंगे, वैश्वानर है, तेजस है, ठीक है, प्राज्ञ है, उपयुक्त सभी, इस तरीके से आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर यहाँ पर देखते हैं इस जो उपनिषद है उसका महावाक्य क्या है, तो इसका महावाक्य जो है वो अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। महावाक्य अर्थात एक शब्द में, एक वाक्य में ही उस उपनिषद का जो मूल सारांश है, जो निष्कर्ष निकल के आता है, उसको कहा जाता है महावाक्य, यानी कि एक सेंटेंस में ही उसको बता दिया गया कि यह आत्मा ही जो है ब्रह्म है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, इसका महावाक्य जो है अयम आत्म ब्रह्म। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप यहाँ पर चेतना की चार अवस्थाएं बताई गई हैं। चेतना की जो चार अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था अर्थात यहाँ पर इसको बोलेंगे बहिष्प्रज्ञ अवस्था। बहिष्प्रज्ञ अर्थात जो बाह्य जगत को देखता है, बाह्य जगत में क्या होते हैं, स्थूल विषयों को जो देखता है उसको बोला जाता है जागृत अवस्था, और उस जागृत अवस्था को नाम दिया गया है बहिष्प्रज्ञ। इसका भी डिटेल नीचे में हम टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। फिर दूसरा है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में क्या होता है, जो मनुष्य है स्वप्न देखता है ना, स्वप्न देखता है कैसे, सूक्ष्म विषयों के माध्यम से, तो उसको हम बोलेंगे अंतःप्रज्ञ। ठीक, फिर तीसरा आता है हमारा सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था को हम बोलेंगे एकीभूत अवस्था या चेतना प्रज्ञ बोलते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की भोगों की कोई इच्छा नहीं रहती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की चीजों की इच्छा नहीं होती है, हम जो है सभी चीजों से डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है सुषुप्ति की अवस्था, और इसको ही हम बोलते हैं चेतोमुख या आनंद की अवस्था। ठीक, फिर चौथा आता है तुरी अवस्था। तुरी अवस्था जहाँ पर ब्रह्म में ही लीन हो जाना, सर्वज्ञ की अवस्था। अंतर्यामी अर्थात अंतर्यामी जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सबका कारण है, इस जगत का कारण है, पूरे संसार का जो कारण है वो क्या है, परम ब्रह्म है, तो उसको हम बोलेंगे तुरी अवस्था। अर्थात जो है हम तुरी अवस्था में आकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसको याद रखेंगे। चेतना की चार अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है जागृत, जागृत को बहिष्प्रज्ञ और स्थूल विषयों का भोक्ता कहा जाता है। अर्थात जो है स्थूल विषयों का भोक्ता, अर्थात बाह्य जगत को हम देखने का काम करते हैं, उसको जानने का काम करते हैं। फिर दूसरा है स्वप्न। स्वप्न को हम बोलते हैं अंतःप्रज्ञ अवस्था, सूक्ष्म विषयों को का भोक्ता, इसमें जो मनुष्य है वो सूक्ष्म विषयों की ओर देखता है। ठीक, फिर सुषुप्ति अवस्था जिसमें आनंदमय हो जाते हैं, और तुरीय अवस्था जिसमें हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, जो सबका कारण क्या है, ब्रह्म है। इस तरीके से यहाँ पर जो है परम ब्रह्म के तीन अंग बताए गए हैं। तो तीन अंग यहाँ पर बोला जाएगा कौन कौन से हैं, तो जो शरीर है, तो परम ब्रह्म का शरीर किसे कहा गया है, संपूर्ण जगत को परम ब्रह्म का शरीर बोला गया है। फिर अंग, अंग किसे कहा गया है, तो जो सात लोक हैं वो परम ब्रह्म के अंग हैं, भू भुवा स्वः मह जनः तपः और सत्य, ये जो है ब्रह्म के अंग हैं। और ब्रह्म का मुख क्या है, तो 19 मुख वाला है बोला जा रहा है, जिसके अंतर्गत आते हैं 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान और व्यान, और 4 अंतःकरण। अंतःकरण में क्या क्या आ जाएंगे बताइए आप लोग, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। बढ़िया, ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो परम ब्रह्म के तीन अंग बोले गए हैं, तो शरीर को कहा गया है, संपूर्ण जगत ही ब्रह्मा का शरीर, ब्रह्म का शरीर है। ठीक है, फिर अंग जो है सात लोकों को ब्रह्म का अंग कहा गया है, और ब्रह्म का जो मुख है वो 19 मुख वाला है, जिसमें 10 इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। फिर यहाँ पर ओमकार की मात्राएं बताई है, आकार, उकार और मकार, और एक है अमात्रा, अर्थात जो मात्रा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ओमकार की मात्राएं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इनका संबंध किस तरीके से, आगे टेबल में हम देखेंगे। और यहाँ पर जो बताया गया है प्रभवा व्ययो, इसका अर्थ होता है कि उत्पत्ति और स्थिति एवं प्रलय का जो कारण है वो ब्रह्म है।
ठीक है, प्रभवा व्यप्यो, इसको याद रखेंगे, प्रभव अव्ययो अर्थात उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय तीनों का कारण जो है वो ब्रह्म है। चलिए आगे टेबल के माध्यम से हम समझते हैं, अकार उकार मकार और जो ब्रह्म के चार पाद बताए गए हैं किस तरीके से ये जो है आपस में कनेक्टेड है और जो अवस्थाएं हैं वो किस तरीके से आपस में संबंधित हैं, तो इसको हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले अकार मात्रा बताया गया, जब आप उपनिषद की बुक देखेंगे उसमें जो है इनका जो मंत्र शुरुआत होता है वो तीसरे नंबर के मंत्र से इसका शुरुआत होता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विशंति मुख स्थूल भुवे स्वानर प्रथम पाद, अर्थात यहाँ पर बोला गया है कि जो मात्रा है वो आकार है, आकार का जो संबंध है किस कौन से पाद से है तो वैश्वानर अग्नि, ठीक है, जो ब्रह्म का प्रथम पाद है, प्रथम पाद कौन सा है वैश्वानर अग्नि है। ठीक है, वैश्वानर अग्नि जो कि कौन से अवस्था से संबंधित है, जागृत अवस्था से, और इस जागृत अवस्था को और कौन सी अवस्था कहा गया है, बहिष्प्रज्ञ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहिष्प्रज्ञ अर्थात स्थूल चीजों का भोक्ता है, ठीक है, स्थूल जगत का भोक्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे आकार मात्रा, ठीक है, और पाद जो है वैश्वानर अग्नि आएगी या बहिष्प्रज्ञ भी बोला जाता है। ठीक है, शरीर जो है स्थूल, स्थूल शरीर की ओर ध्यान लगाना, और अवस्था जो हो जाएगी जागृत अवस्था, और जब हम आकार की उपासना करेंगे तो उससे क्या फल की प्राप्ति होगी, तो संपूर्ण भोगों कामनाओं को प्राप्त कर प्रधान श्रेष्ठ बन जाता है। अर्थात जो मनुष्य है जब आकार मात्रा की उपासना करता है तो वो संपूर्ण भोगों व कामनाओं को प्राप्त करने वाला हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बताया गया है फल जो बोला जा रहा है प्रभु के सात अंग व 19 मुख वाले जो हैं उनके अनुसार जो है हमको फल की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा है उकार मात्रा, उकार इसका जो पाद है दूसरा पाद आ जाएगा तेजस और अंतःप्रज्ञ। अंतःप्रज्ञ क्यों, क्योंकि वो सूक्ष्म विषयों को भोगता है, ठीक है, सूक्ष्म जगत की ओर देखता है इसलिए, और अवस्था जो हो जाएगी वो स्वप्न अवस्था हो जाएगी, और उकार का जो फल हो जाएगा जब हम इसकी उपासना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञान परंपरा अर्थात ब्रह्मवित्त कुल को उन्नत कर समान भाव वाला हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ब्रह्म कुलवित्त बोला जा रहा है, तो ब्रह्म कुलवित्त का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि जब हम उकार की उपासना करते हैं, ठीक है, तो जब हम उकार की उपासना करेंगे तो क्या होगा, जो ज्ञान परंपरा है ना, ज्ञान परंपरा अर्थात ब्रह्म को जानने की जो परंपरा है, या ब्रह्म को हम जान पाएंगे, ज्ञान परंपरा यानी कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, और ब्रह्मवित्त कुल अर्थात जानने वाले की संतान जो होगा वो भी ज्ञानी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा, ज्ञान परंपरा को उन्नत कर समान भाव वाला हो जाता है जब हम ओकार की उपासना करते हैं तब। फिर आता है मकार, मकार में क्या होता है, जो पाद बताया गया है वो प्राज्ञ है, अर्थात इसमें चेतना की वृद्धि होती है ना, चेतना प्रज्ञ होता है जो मनुष्य होता है और आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, तो आनंद का भोक्ता हो जाएगा शरीर में, और अवस्था हो जाएगी सुषुप्ति अवस्था हो जाएगी, और इसका जो फल होगा क्या होगा, संपूर्ण जगत को यथार्थ स्वरूप जान सबको अपने में विलीन करने वाला चेतोमुख चेतन प्रकाश युक्त प्रधान धन बोला गया। अर्थात जो है संपूर्ण जगत को यथार्थ स्वरूप जान, यानी कि ये जो संपूर्ण जगत है वो किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है, तो जब हम इस चीज को जान लेंगे, उस वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, चेतोमुख हो जाएंगे, ठीक है, प्रकाश युक्त हो जाएंगे और परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है मकार की उपासना करने से संपूर्ण जगत को यथार्थ स्वरूप जान सबको अपने में विलीन करने वाला वह परमात्मा है। ठीक, फिर आता है हमारा अमात्रा, जो कि मात्रा रहित होता है, वो क्या होता है, उसके पाद क्या बताए गए हैं, अद्वैत बताए गए हैं, अर्थात जिससे बढ़कर कोई नहीं है, और शरीर जो बताया गया है आत्मा स्थान बताया गया है। ठीक है, आत्मा अर्थात ओमकार, ओमकार का कहाँ पर स्थान है, हृदय मध्य रूपी गुहा बोला गया है। ठीक है, तो वो आत्मा कहाँ पर निवास करती है, तो हृदय प्रदेश पर, और ये जो अवस्था है वो तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था, इसमें इसका फल क्या होगा, आत्मज्ञानी हो परमात्मा में स्वयं को विलीन कर लेना। ठीक है, निर्विकल्प की अवस्था प्राप्त कर लेना, यानी कि जब हम इस स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे तो हम जो है आत्म ज्ञानी जो परम ब्रह्म स्वरूप है उसमें हम लीन हो जाएंगे।
ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसकी उपासना और इसका फल बताया गया है, और कौन से पाद किसके अंतर्गत आते हैं, शरीर में उनका स्थान कहाँ है और इनकी अवस्था कैसी होती है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। आकार का जो है पाद बताया गया है यहाँ पर वैश्वानर अग्नि होगा, इसे बहिष्प्रज्ञ अवस्था कहते हैं। बहिष्प्रज्ञ इसलिए क्योंकि वो स्थूल जगत को देखता है, ठीक है, इसलिए स्थूल भोक्ता। और इसकी जो अवस्था होती है जागृत अवस्था में रहकर जो है स्थूल जगत की ओर देखता है, और फल क्या होगा, संपूर्ण भोगों व कामनाओं को प्राप्त करने वाला होगा। फिर दूसरा आता है हमारा उकार मात्रा। उकार मात्रा अर्थात जो इसका पाद है वो तेजस है, अंतःप्रज्ञ बोला गया है। अंतःप्रज्ञ इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सूक्ष्म जगत को देखता है, सूक्ष्म विषयों की ओर देखता है, और इसकी जो अवस्था हो जाएगी स्वप्न अवस्था होगी। और फल क्या होगा, तो ज्ञान परंपरा को उन्नत कर यानी कि ज्ञान में वृद्धि कर समभाव रखने वाला होगा। फिर आता है हमारा तीसरा मात्रा है मकार। मकार का जो पाद बताया गया है प्राज्ञ बताया गया है, चेतना प्रज्ञ होता है, जिसमें शरीर की जो अवस्था होती है या आत्मा की जो अवस्था होती है वो आनंद की अवस्था होती है। और अवस्था कौन सी बोला गया है, सुषुप्ति। आनंद किसके अंतर्गत आता है, सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत। फिर इसका जो फल है वो संपूर्ण जगत को यथार्थ स्वरूप जान सबको अपने में विलीन करने वाला, अर्थात चेतन मुख हो जाने वाला, ठीक है, प्रकाश स्वरूप हो जाने वाला। और फिर चौथा यहाँ बताया गया है अमात्रा। अमात्रा जिसका पाद है अद्वैत। शरीर जो बताया गया है स्थान इसका आत्मा है, ओंकार को कहा गया ओंकार जो मात्रा होती है वो, और इसकी जो अवस्था है वो तुरी अवस्था है। और फल क्या होगा, आत्मज्ञानी हो परमात्मा में स्वयं को विलीन कर लेना, ठीक है, अर्थात समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेना। अब हम आगे देखते हैं आत्मा का स्वरूप या ओम परम ब्रह्म का स्वरूप बताया गया। हर उपनिषद में आप देखेंगे वहां पर आत्मा परमात्मा का स्वरूप, परम ब्रह्म का स्वरूप, उनकी महिमा, उनके गुण, इन सब के विषय में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामेश योनि सर्वस्य प्रभवा प्ययो हि भूतानाम। एष सर्वेश्वर अर्थात यह सबका ईश्वर है, एष सर्वज्ञ अर्थात यह सर्वज्ञ है, एष अंतर्यामेश योनि अर्थात यह अंतर्यामी है, सर्वस्य प्रभव अव्ययो हि भूतानाम यही योनि है, समस्त भूतों की उत्पत्ति प्रलय का स्थान है, ठीक है। अर्थात जो है यह सब ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है। परमात्मा के विषय में यहाँ पर बताया गया कि वह ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, ब्रह्म अंतर्यामी है, ब्रह्म ही वह योनि है जहाँ पर समस्त भूतों की उत्पत्ति व प्रलय का स्थान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्रह्म की महिमा बताई जा रही है। फिर यहाँ पर बताया गया है न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम व्यवहारम अग्राह्यम लक्षणम अचिंत्य अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशम शांतम शिवम द्वैत चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। अर्थात न अंतः प्रज्ञम जो न अंदर है, ठीक है, न जो अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बहिष्प्रज्ञम न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न उभयतः प्रज्ञम न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घनम अर्थात न प्रज्ञा से घनीभूत है, न प्रज्ञम न प्राज्ञम न जानने वाला है ना ही देखे जाने वाला है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक है, सॉरी ना, हाँ कहाँ थे हम, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम यानी कि जो ना अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, ठीक है, न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है न प्रज्ञा से घनीभूत है अर्थात न ही ज्ञान स्वरूप है, ठीक है, न प्रज्ञम न जानने वाला है न ही जानने वाला है न देखा जा सकता है अदृष्टम, ठीक है, और न ही
व्यवहार में आ सकता है। अव्यवहार अग्राह्यम ना ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। अलक्षणम ना ही लक्षणों से रहित है। ना चिंतनम ना चिंतन में आ सकता है, ना उपदेश किया जा सकता है, ठीक है। उपदेशम एकम प्रत्यम सारम, एकमात्र आत्म की प्रतीति ही जिसका सार है, प्रपंच से रहित है, शांत है, शिव है, ठीक है। प्रपंचोपासम शांतम शिवम द्वैतम, शांत है, शिव है, अद्वैत है। और ये अद्वैत ही क्या कहा जाता है, चौथा पाद कहा जाता है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। अर्थात पूरा टोटल रूप से हम देखें तो यहाँ पर जो है आत्मा का, आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, परम ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है। क्या बोला गया कि जो ना अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना बाहर की ओर है, ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञा से घनीभूत है, ठीक है, ना जानने वाला है, ना देखा जाने वाला है, ना व्यवहार में आता है, ना ग्रहण किया जा सकता है, लक्षणों से रहित है, ना चिंतन में आ सकता है, ना उपदेश किया जा सकता है, एकमात्र आत्म की प्रतीति ही जिसका सार है, यानी कि आत्म की अनुभूति होना ही उस परम तत्व का सार है। प्रपंच से रहित है, आडंबर से रहित है, शांत है, शिव है, अद्वैत है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। और इस अद्वैत को ही परमात्मा का चौथा पाद कहा गया है, और वही आत्मा है और वही जानने योग्य है, ठीक है। क्लियर है ये। चलिए अब हम ओमकार का स्वरूप देखते हैं। ओमकार का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, स अयम आत्मा, स अयम आत्मा अध्यक्षरम ओमकारम अधिमात्रम पादा मात्रम, मात्रस्य पादा अकार उकार मकार इति, ठीक है। स एष स अयम अध्यात्म अध्यक्षरम, ठीक है, आत्मा अध्यक्षरम ओमकार, ऐसा वह आत्मा अक्षर दृष्टि से मात्राओं का आश्रय रूप ओमकार ही है। अर्थात यहाँ पर परमात्मा को बोला जा रहा है कि वह अक्षर दृष्टि से मात्राओं का आश्रय रूप ओमकार है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है, जो कि आकार उकार और मकार है। अर्थात ओम की यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही है कि ओम ही अक्षर दृष्टि है, मात्राओं से सर्वयुक्त है, मात्राएं ही उसका जो है आश्रय रूपी ओमकार है, और पाद ही मात्रा है बोला जा रहा है। पाद अर्थात जो परमात्मा के चार पाद बताए गए हैं, ठीक है, वही मात्रा है और मात्रा ही पाद है, जो कि आकार उकार और मकार है। इस तरीके से यहाँ पर ओम के सर्व व्यापकता को भी बताया गया है, ठीक है। क्लियर है ये आपको। इस तरीके से हमारा जो है मांडुक्य उपनिषद कंप्लीट हुआ। क्या क्या हमने इसमें देखा, ओमकार का स्वरूप देखा, परमात्मा के स्वरूप हम देखे, ठीक है, परमात्मा के जो चार पाद बताए गए हैं वो हमने देखा, चेतना की चार अवस्थाएं देखी और वो दोनों आपस में किस तरीके से संबंधित हैं और उसकी उपासना करने से क्या फल की प्राप्ति होगी, ये हमने देखा। और इसका जो इस उपनिषद का महावाक्य है, क्या है महावाक्य बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें इतना याद रखेंगे। क्लियर है सभी को। आत्मा अक्षर दृष्टि है ये बता दीजिए कैसे है, समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ये है ना ओमकार का स्वरूप में, ऐसा वह आत्मा अक्षर दृष्टि वाला, अक्षर दृष्टि से क्या मतलब होएगा। अच्छा, अक्षर दृष्टि मतलब जो है कि हम ओमकार को ही अक्षर ब्रह्म बोलते हैं ना, अक्षर ब्रह्म क्या है, ओम ही है, तो ओम को ही जो है यहाँ पर बताया गया है कि ओम ही अक्षर दृष्टि है। अर्थात जब हम ओम का ध्यान लगाते हैं और ओम ही सभी का आश्रय है, ठीक है। अच्छा ओके मैम। ओम के माध्यम से जब हम ओम का नित्य जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि वह आत्मा अक्षर दृष्टि ही ओम है और ओम ही आश्रय रूप ओमकार है और पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। पाद अर्थात परमात्मा के चरण है, ठीक है, जो कि क्या है, आकार उकार और मकार है और अमात्रा भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। पहली वाली सेट में क्वेश्चन था,
हाँ बोलिए मैम, वो स्लाइड शो कर दीजिए, मैं क्वेश्चन ही भूल गई। ओके हाँ मैम, जो ये आत्मज्ञानी है ना अमात्रा में और मकार में जो है संपूर्ण जगत को यथार्थ रूप से जानना, तो मैम ये आत्मज्ञान नहीं हुआ क्या? संपूर्ण रूप को यथार्थ, संपूर्ण जगत को यथार्थ रूप से जान पाना, अर्थात कि यह संसार जो है परमात्मा के द्वारा ही बनाई हुई है, ठीक है, तो इसका विनाश तो संभव है, लेकिन उस ये जो संसार है वो किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है, ठीक है, तो इस यथार्थ रूप को जान लेना। और अमात्रा इसमें आत्मज्ञानी हो जाना अर्थात सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जान लेना, परमात्मा के स्वरूप को भी जान लेना और समाधि को प्राप्त कर लेना, परमात्मा में ही विलीन हो जाना। अच्छा मैम, तो जो मकार है उसमें बोला है कि संपूर्ण मतलब जो सत्य ज्ञान है उसको जान लेना, और आत्मज्ञानी में है कि ईश्वर को भी पहचान लेना, हाँ ईश्वर ये का है। भी ज्ञान होना। ओके ठीक है, चलिए और किसी को कहीं पर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिए। मैम ये जो ओमकार के जो चार पद है उसमें वैश्वानर और जो तेजस दिया है वो सेम ही है क्या? अलग अलग? नहीं, दोनों अलग 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 है। ठीक है, वैश्वानर में, हाँ वैश्वानर में वहां पर ये बताया गया कि हम बाह्य जगत को देखते हैं, स्थूल चीजों को देखते हैं, और तेजस है जो हम अपने अंतर अंतर मन की ओर देखते हैं, ठीक है, सूक्ष्म विषयों को देखते हैं। जी मैम। चलिए ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? जी मैम। चलिए आज हम यहीं पर फिर रखते हैं, कल हम करेंगे ऐत्रेय उपनिषद। चलिए शांति पाठ करा दीजिए। चलिए सौरभ जी शांति पाठ कराइए। सभी कमर गर्दन सीधी करके किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास करके ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से हथेलियों के बीच में आंख खोलते हुए हाथ नीचे लें, प्रणाम। थैंक यू सौरभ जी, सभी को हरिओम, शुभ संध्या। चलिए फिर हम कल मिलते हैं, सभी लौट कर जाइए। मैम एक क्वेश्चन था, हरिओम मैम, ये जो शांति पाठ होते हैं उपनिषद की शुरुआत में, वो सभी में से क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ, जैसे कि मुख्य रूप से हो गया पूर्णमद पूर्णमिदम वाला हो गया, ईशावास्योपनिषद का सहना भवतु है, वैसे सभी नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी तक तो यही आया है, बाकी तो और किसी के अर्थ अभी तक देखे नहीं गए हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलिए नीता मैम, रमेश सर आप लोग भी जो है, नीता मैम जी। हाँ मैम। हाँ लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी फिर। ओके ओके हाँ।